हेलो हाय एंड वेलकम इन स्टडीगर। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास सिक्स साइंस चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू कवर थ्री पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो ऑफ द चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स एंड सेकेंड जॉइंट्स एंड थर्ड ह्यूमन स्केलेटन। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई ब्रेक दिस पॉइंट, मैं ब्रेक करता हूँ बॉडी और मूवमेंट्स। बॉडी का रिलेशन हमारे ह्यूमन बॉडी से है और मूवमेंट का मतलब है कि चेंज द प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मूवमेंट का मतलब जैसे दिस इज हियर एंड आफ्टर फाइव सेकेंड चेंज द प्लेस, दिस इज हियर, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। सपोज दैट जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने प्लेस को चेंज करके यहाँ पे आ गया, दिस इज मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब है कि चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट इन दिस लेक्चर। अब देखिए इसमें इस लेक्चर में हमें समझ आए बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। बॉडी समझ में आ गया होगा, ह्यूमन बॉडी की बात करने वाला हूँ। मूवमेंट्स के बारे में मतलब प्लेस को चेंज करना, इस कॉल्ड बॉडी मूवमेंट्स, इस कॉल्ड मूवमेंट्स। मूवमेंट्स के मीन्स बॉडी मूवमेंट्स। अब देखिए मूवमेंट्स में बॉडी कितने, ह्यूमन बॉडी कितने तरीके से मूवमेंट कर सकती है। पहला वॉक कर सकती है, दूसरा रन और जंप, फ्लाई पॉसिबल अभी नहीं है कि ह्यूमन बॉडी ऐसे अकेले हो और उड़ जाए, ये ऐसा सिर्फ मूवी में पॉसिबल रह सकता है, जैसे कि ऋतिक रोशन उड़ सकते हैं, बट ऐसा रियल लाइफ में भी पॉसिबल नहीं है कि आप उड़ जाएँ। सिर्फ आप वॉक कर सकते हैं, आप रन कर सकते हैं, आप जंप कर सकते हैं, दीज थ्री थिंग्स। और इस सिक्स क्लास साइंस में सिर्फ इसी भी डिस्कस किया गया, वॉक रन एंड जंप, ये आपके सिलेबस में है। मूवमेंट्स का मतलब ने बताया ना कि बॉडी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करे, मतलब अपने प्लेस को छोड़े या घूम जाए, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट्स। अब देखिए वॉक का मतलब हम आराम से चल दिए, रन का मतलब हम दौड़ रहे हैं, जंप का मतलब हम उछल गए, दिस इज द मूवमेंट्स कॉल्ड। होप आपको समझ में आएगा बॉडी और उसके मूवमेंट्स के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आता है जॉइंट्स। बिफोर स्टार्टिंग द जॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट व्हाट इज द जॉइंट। जब आप जॉइंट पढ़ते हैं, जॉइंट्स क्या, व्हाट इज द जॉइंट्स, विच टाइप्स ऑफ इमेज कम्स इन योर माइंड। आप जब जॉइंट्स सोचते हैं तो आपको दिमाग में सुनते ही इस वर्ड को किस तरीके की मिल जाती है, कहीं पर कोई चीज़ जुड़ी हो, जैसे हम इसको भी यहाँ पर जोड़ दें, दिस इज कॉल्ड जॉइंट। जहाँ पर जॉइंट होता है वहाँ पे क्या हो सकता है, अब वहाँ पे कोई मूवमेंट होता है या हम किसी कहीं पे किसी बांधी हुई चीज़ को देखते हैं जो कि ये चीज़ें बांधी हुई है, तो वो क्या कहलाता है, दिस इज़ जॉइंट। अब यहाँ पे इस ह्यूमन बॉडी में जॉइंट्स की बात कहाँ पे आ गई, अब हम देखेंगे। अब जॉइंट्स का मतलब अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर वी कैन से वेयर द बॉडी पार्ट्स मूव। बॉडी पार्ट क्या है, मूव कर सकता है, जहाँ पे जॉइंट है। अब मैं इस हाथ को ऐसे ऐसे क्यों कर सकता हूँ, वाई आई डू दिस, बिकॉज दिस हियर इज़ मूवमेंट मेरा। ये जैसे हम अपने पैर को लेके आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे होता है, बिकॉज दिस इज़ जॉइंट। हमारे बॉडी पार्ट्स में क्या, जॉइंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा जॉइंट्स क्या होता है, जहाँ पे बॉडी ये वाला पार्ट, जैसे ये दो पार्ट्स बॉडी के मिल रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड द जॉइंट्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। मोस्टली जॉइंट्स इज़ अ फोर टाइप्स। फर्स्ट जैसे हमारा हो गया, दिस इज़ द फिक्स जॉइंट एंड नेक्स्ट पिवोटल जॉइंट, बाल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट। फर्स्ट वी स्टार्ट द फिक्स्ड जॉइंट। अब हम देखें अगर फिक्स्ड के बारे में देखें, अगर इसका हिंदी अर्थ निकालें, फिक्स का मतलब किसी चीज़ को एक स्थान पे फिक्स कर देना। दिस थिंग्स कैन नॉट मूव, जो चीज़ें मूव नहीं कर सकती, नॉट मूवेबल थिंग इज कॉल्ड द फिक्स थिंग, दिस इज कॉल्ड। अब ऐसे फिक्स मतलब ये ह्यूमन स्कल जो होता है, ह्यूमन स्कल वो क्या होता है, ये हमारा जो ये सर है, हेड है, ये हम फिक्स ही है, हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। अगर हमें इसे बेंड करना होगा कहाँ से, यहीं गर्दन से, अपने नेक से हम इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, बट वी कैन नॉट मूव। हम इसको ऐसे पकड़ के ऐसे यहाँ घुमा दें, सो दिस इज द नॉट पॉसिबल, दिस इज कॉल्ड फिक्स जॉइंट। और एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माउथ। जब आप माउथ को ओपन करते हैं, वेन यू ओपन योर माउथ, योर इनर पार्ट इज ओपन, नॉट योर अपर पार्ट। आपका जो नीचे का भाग होता है वही हमेशा आता है। आप एक मिनट रुकिए और इस एक्टिविटी को करके देखिए, बिकॉज योर चैप्टर इज टोटली डिपेंड ऑन द एक्टिविटी। दिस चैप्टर क्लास सिक्स साइंस चैप्टर 8 इज टोटली डिपेंड ऑन एक्टिविटी। आप कहीं बाहर मत जाइए, बॉडी मूवमेंट्स तो टोटली आप एक्टिविटी करके समझ सकते हैं इसको, और अच्छे से इसका आंसर बना सकते हैं। इस पूरे चैप्टर की समरी जो है आप थिंक करें अबाउट, जैसे ये फिक्स जॉइंट हुआ, कुछ नहीं, आप माउथ को रोक के देखिए, माउथ कौन सा पार्ट ऊपर जाए, लग रहा है दोनों जाएगा, बट दिस इज द नॉट ट्रू। नीचे वाला पार्ट ही हमेशा ओपन होता है, ऊपर वाला फिक्स है, दिस इज कॉल्ड फिक्स जॉइंट। एंड नेक्स्ट आता है पिवोटल जॉइंट, वेयर आवर हेड एंड नेक इज जॉइंट, दिस इज कॉल्ड पिवोटल जॉइंट। जहाँ पे हेड और नेक जॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, पिवोटल जॉइंट। एंड दिस इज एंड नेक्स्ट इज बाल एंड सॉकेट जॉइंट। व्हाट इज द बाल एंड सॉकेट जॉइंट, वेयर इज द
वेयर हिप जॉइंट एंड ये जो आपका दिस इज टोटल स्ट्रक्चर इज आपका ये क्या है फुट का है पैर का है एंड दिस इज आप कह सकते हैं पहला या यहाँ से स्टार्ट करते हैं दिस इज द लास्ट जहाँ पे हिप जॉइंट और ये फुट का जो लास्ट पॉइंट होता है दिस जॉइंट इज कॉल्ड बाल एंड सॉकेट जॉइंट। अब हमारा आता है नेक्स्ट हिंज जॉइंट मतलब होता है इसका सबसे एग्जाम्पल दिस इज आवर हिंज जॉइंट इन दिस जॉइंट्स वी कैन मूव आवर द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ दिस जॉइंट आवर दिस इज जॉइंट दिस इज आप पैर का देखें आवर नी इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट आवर हैंड इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट ये क्या हुआ दिस इज आवर ऑल्सो दिस इज आवर हिंज जॉइंट जहाँ पे भी हम बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं मूव करने के लिए जैसे आप मिलने का एसेंस ये है जैसे आप अपने घर का दरवाजे को देखें क्या होता है गेट यहाँ पे ऐसे दो पॉइंट्स तीन या थ्री और फोर पॉइंट्स पे फिक्स होता है और वो फिक्स होने के बाद गेट इधर 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 जा सकता है दिस इज़ आवर कॉल्ड हिंज जॉइंट। इसी तरीके के जॉइंट्स जैसे बॉडी पार्ट्स जहाँ हम अपने पैर को मूव कर सकते हैं फोल्ड कर सकते हैं अपने हैंड को हम अपने फोल्ड कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। आपके आई अगेन रिपीट दिस फर्स्ट हो गया फिक्स जॉइंट स्कल जॉइंट इज ऑल्सो फिक्स जॉइंट यहाँ पे स्कल जो हमारा है दिस इज फिक्स जॉइंट एंड नेक्स्ट इज वेयर नेक बोन ऑफ नेक एंड हिज जॉइंट्स दिस इज कॉल्ड पिवोटल जॉइंट एंड हिप जॉइंट एंड दिस इज फुट जॉइंट इज बाल एंड सॉकेट जॉइंट एंड दिस इज हिंज जॉइंट वेयर बॉडी मूवमेंट्स कैन मूव किस तरीके का मूव फोल्ड लाइक अ फोल्ड जैसे फोल्ड करते हैं किसी चीज को उस तरीके के जॉइंट को हिंज जॉइंट कहते हैं। सो आपका क्लियर हो गया होगा जॉइंट बॉडी मूवमेंट्स और जॉइंट्स आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं ह्यूमन स्केलेटन। आप ह्यूमन स्केलेटन को देखें दिस इज द इनर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सो आई इरेज दिस। अब ह्यूमन स्केलेटन समझते हैं ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू रीड दिस वर्ड दिस टाइप्स ऑफ इमेज कम्स इन योर माइंड आई थिंक इनर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन स्केलेटन। इन दिस लेक्चर इन दिस टॉपिक्स आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं आपको दिमाग लगाना है बस वही जो एक्सरे की इमेज जो मिलती है जैसे हमारे कोई डिफेक्ट हो गया हाथ और पैर में डिफेक्ट होने बाद क्या डॉक्टर बोलता है आप जाइए एक्सरे करवाइए और एक्सरे करवा के आप आइए हम आपके इनर स्ट्रक्चर को देखेंगे कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है या हड या बोन्स हमारी टूटी हुई है जो हड्डियाँ टूटी हुई हैं तो हम एक्सरे करवाते हैं कुछ इसी तरीके के अंदर इमेज हमें मिलती है। दिस इज़ द रफ डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। अब हम समझते हैं ह्यूमन स्केलेटन थोड़ा इसमें जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है कुछ पार्ट्स के बारे में जैसे दिस इज आवर स्कल इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं स्कल एंड दिस इज बोन्स ऑफ हैंड हाथ की ये हड्डी है एंड दिस इज शोल्डर बोन दिस इज आवर शोल्डर बोन एंड नेक्स्ट इज आता है रिब केज दिस इज आवर रिब केज। हाउ मेनी रिब केज इन ह्यूमन बॉडी 12 pair ऑफ रिब केज इज इंक्लूड इन ह्यूमन बॉडी। सो और ये दिस इज बैक बोन ये क्या कहलाता है अगर हम पीछे से देखें इफ वी सॉ दिस ऑन बैक साइड दिस इज आवर कॉल्ड बैक बोन व्हाट इज दिस दिस इज द बैक बोन नेम ऑफ दिस बोन इज कॉल्ड बैक बोन एंड नेक्स्ट दिस बोन इज कॉल्ड पेल्विक बोन PELVIC दिस बोन इज कॉल्ड आवर पेल्विक बोन एंड आई ऑल्सो इंक्लूड दिस इज आवर फुट दिस इज आवर लेग बोन और फुट बोन जो भी दिस इज डिपेंड ऑन यू व्हाट यू वांट टू से दिस इज आवर स्कल अभी स्कल हो गया शोल्डर बोन हो गया रिब केज हो गया दिस इज पेल्विक बोन एंड दिस इज बैक बोन। आपके सिलेबस का जितना बोन से रिलेटेड था मैंने आपको क्लियर कर दिया है एंड नेक्स्ट आपका ये क्लियर हो चुका है ह्यूमन स्केलेटन जॉइंट बॉडी मूवमेंट्स 3 points मैंने कवर कर दिया है। आपका part 2 आएगा उसमें गेट ऑफ एनिमल्स मतलब एनिमल्स के जो मूवमेंट्स होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। कोई भी टॉपिक छूट रहा है तो देन एब्सोल्युटली यू कैन आस्क यू हैव द पावर टू आस्क मी द क्वेश्चन और सेंड योर प्रॉब्लम जो भी है। अगर कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो आप ज़रूर पूछिए और आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लासमेट के साथ शेयर करें। आई विल बी राइट बैक विथ न्यू टॉपिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।